मंत्रीगण की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री तेज प्रसाद यादव, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, श्री अशोक चौधरी, श्री श्रवण कुमार, श्री जय कुमार सिंह, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री चंद्रिका राय, श्री अवधेश कुमार सिंह, श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, श्री महेश्वर हजारी, श्री अब्दुल जलील मस्तान, श्री राम विचार राय, श्री शिवचंद्र राम, श्री डॉक्टर मदन मोहन झा, श्री शैलेश कुमार, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, श्री संतोष कुमार निराला, श्री डॉक्टर अब्दुल गफूर, श्री चंद्रशेखर, श्री कुर्ती फिरोज अहमद, श्री मुनेश्वर चौधरी, श्री मदन सहनी, श्री कपिल देव कामत, श्रीमती अनीता देवी, श्री विजय प्रकाश, बिहार के राज्यपाल के आदेश से। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम तेजस्वी यादव जा रहे हैं नंबर 2 की हैसियत से, आप मानकर चलिए नीतीश कुमार के बाद शपथ लेने जा रहे हैं। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सत्पूर्वक और शुद्ध आचरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन सकते हैं, पद मिल सकता है, अगर नहीं भी डिप्टी सीएम का जैसा कोई पद अगर नहीं भी होता है तो भी आप मानिए कि सरकार में नंबर 2 की हैसियत, सीएम की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव ही सरकार का कार्यभार संभालेंगे क्योंकि नंबर 2 सीएम के बाद जो भी शपथ लेता है वो माना जाता है कि सरकार में नंबर 2 की हैसियत है उसकी। और सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव नंबर 2 पर बैठे हुए थे, नीतीश कुमार के ठीक बगल में बैठे हुए थे और तमाम मेहमान, लालू यादव के लिए बहुत अहम मौका है और ये एक खुशनुमा मौका एक पिता होने के नाते भी है, इसलिए क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े और दोनों बेटे विधायक पहली बार बने और पहली बार ही मंत्रिमंडल में, और तेजस्वी यादव तो नंबर 2 की हैसियत रख रहे हैं। श्री तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या
या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय कर सकते। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य को समायत निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ देता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं अनुपस्थित या प्रकट नहीं करूँगा। तेज प्रताप यादव मंत्री पद की शपथ ली, हालांकि एक चूक हो गई थी, भूल हो गई थी, अपेक्षित के बजाय उपेक्षित उन्होंने कह दिया था, फर्क बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उसे महामहिम राज्यपाल ने सुधारा और फिर दोबारा शपथ दिलवाई गई। लेकिन ये बहुत अहम है, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली और तेज प्रताप यादव फिर उसके बाद एक भूल ज़रूर हुई उनसे कि अपेक्षित के बजाय उपेक्षित उन्होंने कह दिया, जिससे सुधारा गया। पहली बार में जाहिर है अनुभव धीरे धीरे यहाँ से लेंगे दोनों बेटे, पहली बार विधायक भी हैं और पहली बार मंत्रिमंडल में भी शामिल हो रहे हैं, तो ये एक चुनौती भी है कि आपको सरकार की कार्यशैली क्या होती है, सरकार कैसे काम करती है, वो समझते हुए आपको काम करना है। तो पहले तो आप समझना होगा कि सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार मंत्री की भूमिका क्या होती है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बुलाया जा रहा है।